बुजुर्गो, जो कलीमे को पढ़ा सिर्फ पढ़ने के हद तक महदूद रखा और मैं समझ रहा है कि मैं कलीमे के मकसद को पूरा कर लिया हूँ, तो बात कान खोल के याद रखिए, अपने जहन दिमाग में बिठा के रखिए, जो ये समझ रहा है मैं कलीमा पढ़ लिया और कलीमे के हक को अदा कर लिया हूँ, एक बात कान खोल कर सुनिए, वो अपनी की मगफिरत पक्की करवा नहीं सकता, वो खुद की मगफिरत पक्की नहीं करवा सकता, लेकिन एक बात मैं जो कह रहा हूँ अल्लाह के हौल और कुव्वत से जो अल्लाह ने अपने कलाम में बयान किया है, एक बात अच्छी तरह याद रखो, जो कलीमे को जाना उसकी मगफिरत क्या, जिसकी चाहे उसकी भी मगफिरत करवा सकता, जिसकी चाहे उसकी भी मगफिरत करवा सकता, अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जानो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को, बोल दिए हो गया, अब उसके बाद दूसरा चैप्टर अल्लाह शुरू कर रहा है, फस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल्मुमिनीन वलमुमिनात, तुम जान लेंगे कलीमे को होगा क्या, तुम्हारी भी मगफिरत, तुम जिसकी चाहे मोमिनों की मोमिनात की अल्लाह सबकी मगफिरत कर देगा, करेगा या नहीं करेगा, देखो औलिया के बारे में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहा है, कल बरोज महशर एक एक औली कितने लोगों को जन्नत में ले जाएगा, बोलिए 70,000 लोगों को एक एक औली जन्नत में ले जाएंगे, तादाद बताए ना बताए, गौसफा कितने लोगों को ले जाएंगे, कितने लोगों को ले जाएंगे, ये हदीस के तादाद के हिसाब से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को ले जाएंगे 70,000, गरीब नवाज कितने लोगों को ले जाएंगे 70,000, रईसूर के जो खुतुब है जो कितने लोगों को ले जाएंगे, हजरत ममदूर रहमतुल्लाह अलैह का आपके फैजान से मालामाल करें, आप कितने लोगों को 70,000 ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, तेरात है और ये आयत में तेरात को भी हटा दिया अल्लाह, उधर हदीस में तेरात रखा 70,000 और ये आयत में तेरात को भी हटा दिया अल्लाह, क्यों, मेरा बंदा मुझको जान लिया, मेरे इरफान को जाना, मेरा खुद हासिल किया, मेरा वस्त हासिल किया, जो मैं मेरे हबीब पर मुकम्मल किया वो भी हासिल कर लिया, 70,000 किया उन्हें 70 लाख की भी बोले तो बोले तो मैं मफ़रत करने के लिए तैयार हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि जाना है कलीमे को, जाना है कलीमे को, कितने मोमिनों की मोमिनात के मफ़रत करवाएगा, नहीं मिलेगा हमारे को, अल्लाह लाख तैयार मोमिनों की मोमिनात के अल्लाह मफ़रत का मुस्तहिक़ बनाएगा, तो मेरी ये गुजारिश है कुछ नहीं तो नहीं कलीमे को जानो, जानो जानो, अगर जान लेंगे जिधर जिधर इशारा करेगा अल्लाह सबको मगफिरत का मुस्तहिक बना, तुम्हारे को बनाएगा, तुम्हारे को अल्लाह बनाएगा, क्या जानना है, क्या जानना है, हम क्या जान रहे हैं, सिर्फ कलीमे को पढ़ने के हद तक मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा स्टाइल बन गया, वजू करे ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल्ली करे ला इलाहा इल्लल्लाह, उठे ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह, है या नहीं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कलीमा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला तो अल्लाह हमको बनाया, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जान लो भी, जान लो भी, देखो आप खाने को याद कर रहे हैं, खाना अब कितना टाइम हो रहा, 10:40 हो रहे हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बोलते ही पेट में भी गड़बड़ हो रही है, नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, जा रहा है या नहीं जा रहा, बाप का नाम सुने बाप तक दिमाग जा रहा है नहीं जा रहा, माँ का नाम सुने माँ तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, थी हमारा दिमाग पहुंच रहा है नहीं, हम भरी महफिल में बैठे हुए हैं कुछ कारनामा करके, आके बोल दिया तेरा बाप देख लिया मैं अंदर घुस रहा, क्या कैफियत रहती हमारी, क्या कैफियत रहती, बेचैनी आ रही, काम मेरा बाप मेरे को तंग भी करता है, जिसका भी हम नाम सुन रहे हैं पहुंच रहे हैं, लेकिन अफसोस 70 माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला परवरदिगार, जब बंदा उसका नाम सुन रहा है अल्लाह, क्या कैफियत है हमारे अंदर,
मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह का इस्म मुबारक का गूंज हो रहा है, शोर हो रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस मुसलमान वही गुनाह में मसरूफ है, अल्लाह का नाम सुन रहा है, गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं। देखो अल्लाह का नाम सुन रहा है, अगर कोई मुसलमान गीबत में है तो गीबत को बंद भी नहीं कर रहा है, अगर अल्लाह का नाम सुन रहा है, अगर कोई चोरी में मुलव्वज़ है तो चोरी से बात भी नहीं आ रहा है, अल्लाह रहम फरमाए। देखो ये दौर आ गया, ये दौर आ गया है, अरे जब हम अल्लाह का नाम सुने तो अल्लाह तक पहुंचने वाले बनो, अल्लाह को जानने वाले बनो, अल्लाह का पता हासिल करो, अल्लाह कौन, अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह कैसा हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहकर क्या कर रहा है, वो ये जानने की कोशिश करो। अल्लाह यही तो जानने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में मबूस फरमाया, यही तो बताने के लिए अल्लाह अपने हबीब को दुनिया में भेजा, यही तो बताने के लिए 1 लाख से ज्यादा अंबिया को दुनिया में अल्लाह भेज रहा है। सिर्फ यही बदलाव, मेरे बंदों को मेरा पता दो, मेरे बंदों को मेरा पता दो, मेरे बंदों को मेरा करीब करो। इसीलिए बंदा को अंबिया दुनिया में भेजा है नहीं, अंबिया क्यों आए, बोलिए, तिजारत करने के लिए, किसके लिए आए, तिजारत के लिए आए, कारोबार के लिए आए, ऐशो आराम के लिए आए, बादशाह बनने के लिए आए, हुक्मरानी करने के लिए आए, किसके लिए आए, सिर्फ अल्लाह से टूटे हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आए, अल्लाह से जोड़ने के लिए आए। जो अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है उसको अल्लाह का फरमाबरदार बनाने के लिए आए। देखो यही आए ना, देखो और वो अंबिया में सबसे आला मुकाम के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह उनका गुलाम हमको बनाया, वो रसूलुल्लाह का गुलाम हमको अल्लाह बनाया है। हम कितना अल्लाह को राजी नहीं करना, हम कितना अल्लाह को नहीं जानना, वो कलीमे को बतलाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलीमे का इल्म 10 जब सहाबा को दिए, जब सहाबा इल्म हासिल किए, 10 हासिल किए, जिंदगियों में क्या तब्दीली है उनकी, तब्दीली है या नहीं है, ऐसी तब्दीली। देखो वो फकीर थे, वो भिखारी थे, वो किसी के गुलाम जिंदगी गुजार रहे थे, जब वो किसी के तहत में रहकर जिंदगी गुजार रहे थे, देखो जब इल्म हासिल हुआ तो सबसे आला मुकाम अल्लाह उनको अता किया, सबसे आला मुकाम अल्लाह उनको अता किया, ना उनको खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना औलाद की फिक्र, ना किसी और की फिक्र, ना दुनिया की फिक्र, उनको एक ही फिक्र, अल्लाह मेरा हाजत रवा, अल्लाह मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, अल्लाह मेरा राज़िक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका है। फिर यही नाज, यही कैफियत। देखो सहाबा का क्या मामला है, बादशाह के बारगाह में अपने रसूलुल्लाह अपने सफीर को सहाबी रसूल को भेज रहे हैं ईरान के बादशाह के पास, जाओ इस्लाम की दावत दो, अगर वो ना माने तो जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दे दो। वो सहाबी रसूल घोड़ा लेके इधर पहुंच रहे हैं बादशाह के महल में, फिर महल के दरवाजे पर नहीं रुक रहे हैं बल्कि बादशाह के महल के अंदर घुस के बादशाह के तख्त के सामने घोड़ा रोकते हैं, तख्त के सामने घोड़ा रोकते हैं। बादशाह के देखकर परेशान होता है और ये कहता है, ऐ बंदे, ऐ इंसान, इतनी फुर्ती कहां से आई, इतनी फुर्ती कहां से आई, क्या बोलना चाह रहे हैं तुम? आप अपना जो भी मुतालबा था सुना दिए, वो सहाबी रसूल रसूलुल्लाह का जो भी हुक्म था फरमान था सब सुना दिए। बादशाह ये सुनने के बाद पूछता है, ऐ अल्लाह के बंदे, ये फुर्ती कहां से आई, ये जज्बा कहां से आया, ये जोश ये कहां से आया, तुम्हारे पास तो खाने को खाना भी नहीं था, हमारे पास काम करते थे, लड़ने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ये इतना जज्बा कहां से आया? तो लोग क्या कहते हैं सहाबी रसूल, अरे हमारा खाना तो अगर हम भूखे रहते हैं रसूलुल्लाह को देख लिए वही हमारी गिज़ा, वही हमारा खाना है, वही हमारी गिज़ा है, रसूलुल्लाह का दीदार करना गोया के तरह हकीकत
लेकर लगा। आज हम दावा कर रहे हैं हमारे पास है, कैसी है हमारे पास तलवार? फिर अल्फाज की तलवार है, हकीकत में तलवार से हमको कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर हमारे पास कहीं तौहीद की अगर तलवार रहती तो हमारे जिंदगी में परेशानियां हमारे को नहीं आते, परेशानियां नहीं आते हमारे को। तो आज जो खौफ में जिंदगी गुजार रहा है बंदा, ये खौफ वाली जिंदगी नहीं गुजारता। फिर उसके बाद कलमे की तलवार हाथ में पकड़ने के बाद हुज्र में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हुज्र वाली जिंदगी भी खत्म हो जाती है। और ये जो दौर हाजिर के मुसलमानों को जो मौत से डर है, ये क्यों है या नहीं है मौत से डर? हाथ उठाओ किसको किसको मौत से डर है? बंदा जिसको है, नहीं है तो हाथ मत उठाइए। जिसको है मौत से डर हाथ उठाओ बंदा, जिसको नहीं है कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो ज्यादा तेरा हाथ उठाने के लिए है। लेकिन खाप पड़ गया तो रात के लिए खत्म तो हो जाती है। रात में अगर खाप में अगर मौत आ गई, आ गया इजराइल पकड़ लिए अलैहिस्सलाम, हमारे कई कई दो दिन तो बुखार आ जाता हमारे, है या नहीं है? क्या बाहरी बात है, मामूली बात है। लेकिन जो कलिमा तौहीद पर अपनी जिंदगी को गुजारता है, जो हकीकी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जो रहता है, वो कभी मौत से खौफ नहीं खाता, मौत से कभी डरता नहीं। आज हमको तो डर है, क्या डर है? मुझको मेरी औलाद को छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझको मेरे कारोबार को छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरा कारोबार का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा? अभी से नहीं, मेरा पड़पोतरी की शादी होने के बाद क्या आएगी, इतनी बड़ी प्लानिंग हमारी पड़पोतरी तक की प्लानिंग हम कर लिए। मेरे वाली को एक शेर इशारा करना, जो शेर याद नहीं आ रहा मुझे, आप क्या इशारा करवाते थे? बंदा बड़े बड़े प्लानिंग कर रहा है पोतरियों के पड़पोतरियों के, और इधर को इसके बैठ के हंस रहे, वाह क्या प्लानिंग बना रहा, कल तेरी मौत है, कल तेरी मौत है, कल तेरी मौत है, और इसके बैठ के हंस रहे हैं। देखो फरिश्तों को अल्लाह एक एक साल का हिसाब दे दिया, बंदे को कब लुढ़काना है कब सही ठहराना है, अल्लाह हर चीज का हिसाब फरिश्तों को दे दिया एक साल तक का। वो फरिश्ते हंस रहे हैं, अरे बंदे तू कई सौ साल का प्लान बना रहा है, अल्लाह तो तेरी मौत कर रखा, अल्लाह तो तेरी मौत परसों रखा है, अल्लाह तो तेरी मौत एक महीने के बाद रखा है। देखो मोमिन जो होता है, जो अल्लाह की जात पर जो ईमान लाता है, वो मौत से कभी नहीं डरता, वो मौत से कभी नहीं डरता, खौफ नहीं होता उसको। क्यों खौफ नहीं होता? खौफ क्या है मालूम? आने वाली चीजों से खौफ होता है, होता है नहीं? खौफ क्या खौफ? अब तो भी हम सिर उठा के जी रहे, आगे 50 साल के बाद मुसलमान ऐसा फिर सकते कि नहीं फिर सकते? खौफ है या नहीं है? ऐसे ऐसे कानून आए, लोग ला रहे हैं, कैसा हम जिंदगी गुजारे, खौफ है या नहीं है? देखो वैसा मौत का भी खौफ होता है, अरे मौत वो अंधेरा बड़ा, मेरे को नहीं जाना है, मुझको अपने बच्चों के साथ रहना है। मोमिन की कैफियत नहीं होती, बल्कि मोमिन तो हर वक्त मौत के आरजू तमन्ना में अपनी जिंदगी को गुजारता है। क्यों गुजारता है आरजू तमन्ना में? क्योंकि जिस महबूब का इश्क उसके दिलों में बसा हुआ रहता है, उस महबूब का बिना हिजाब दीदार करना होता है, बिना हिजाब उसको दीदार करने का अल्लाह मौका देता है। वो महबूब के दीदार के लिए बंदे को फिर खौफ आएगा, खौफ आएगा। हम अंधेरे गड़े में जाने को इसीलिए डर रहे, हमारी बीवी नहीं दिखती, हमारे बच्चे नहीं दिखते, मोमिन इसीलिए ख्वाहिश में रहता है क्योंकि वहां पर रसूलुल्लाह को देखना है, क्योंकि वहां पर परवरदिगार को देखना है। मोमिन के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो सकती क्या? देखो ये कब पैदा होगा ये जज्बा, ये जोश, ये शौक, ये जोश सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि कलेमे को जानने से पैदा होता है। हम सिर्फ पढ़ के गुजर जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं मैं कलेमे का तहाजा पूरा कर लिया हूँ। इसीलिए अल्लाह के महबूब बंदे शायर ने क्या खूब कहा, किरद ने कह भी दिया ला इलाह को क्या हासिल, किरद ने कह भी दिया ला इलाह को क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आदमी कह दिया जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ फायदा नहीं इसका जब तक दिल और आंख मुसलमान ना बने।
कारण ईमान जब हमारे अंदर पैदा होगा, दिल भी मुसलमान बन जाएगा। और जब दिल मुसलमान बनेगा वो दिल को अल्लाह मामूली दिल की तरह नहीं रखेगा, बल्कि उस दिल को अल्लाह अपना आश बना लेगा, उस दिल को अल्लाह अपना आश बना लेगा, उस खल्क को अल्लाह आश बना लेगा। जब अल्लाह अपने खल्क उस बंदे के खल्क को अपना आश बना ले, फिर उस आश को कैसा जहन्नम में डालेगा? दाता फिर दाता बोलिए नहीं डाल सकता परवरदिगार, क्योंकि उस बंदे के खल्क को अपना आश बनाया, उस बंदे के हल को अल्लाह अपना आश बनाया। जब उसको आश बना ले क्या होता है? उस आश बनने के बाद बंदे का मामला क्या होता है? वो जिसकी तरफ इशारा करे अल्लाह उसकी भी मगफिरत कर देता है, उसकी भी मगफिरत कर देता है। हमको चाहिए कि कलमे तौहीद का जो दर्स जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, सहाबा ने हासिल किया है, सहाबा ने ताबईन को जो दिया है, तब ताबईन ने जो औलिया को दिया है, हमको दे रहे हैं, वो इल्म हमको भी हासिल करना जरूरी है। सिर्फ हासिल नहीं बल्कि अमल पैदा होना जरूरी है। अल्लाह सुनने के बाद हमारे अंदर क्या कैफियत आना, सात आसमान उसके ऊपर आज उसके ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, ये नजरिया हमारा नहीं होना, बल्कि अल्लाह सुनने के बाद हमारी ये कैफियत होना, मैं जहां हूं मेरा परवरदिगार वहीं पर, मैं जहां हूं मेरा परवरदिगार वहीं पर है, महीने आपको भड़का के खाली 40 दिन या 9 महीने
बिठाया गया, कोपिंग पे बिठाए, इधर शैतान की आमद हो गई अमरूद के पास। शैतान क्या कह रहा है, ऐ अमरूद ये कोई मां की शख्स नहीं है, ये इब्राहिम अल्लाह का खलील दोस्त है। शैतान को भी मालूम है ये मामूली आदमी नहीं है बल्कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह का खलील है, दोस्त है। वो नमरूद यहाँ पर एक प्लान दे रहा है, वो नमरूद को प्लान दे रहा है शैतान। क्या प्लान दे रहा है, जब तुझको गोपिन से भेजेंगे तो उस वक्त क्या करना, जितने भी अतराब में ठहरेंगे सब ठहर के पेशाब करना, जो ठहर के पेशाब करता अल्लाह उधर अपने फरिश्तों को नाजिल नहीं करता। कौन प्लान दे रही है, जरा हाथ उठाओ कौन कौन ठहर के पेशाब करते हैं, मुसलमान है या नहीं है। हकीकत में बयान कर रहा हूँ मैं, दूसरे लोगों की तरह बयान मुझे करना नहीं आता, मेरा खून में नहीं है, मेरा खून में नहीं है ऐसा दूसरे लोगों की तरह बयान करना। लोगो अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमको जोड़ा है जो बशीर और नजीरा है, जो बशारत भी देते हैं और जो चीज़ों पर जिन चीज़ों से डराया है वो डराते भी हैं। अल्लाह हम कैसे शुरू से अदा किया तो ये हकीकत है। आज दौरे हाजिर के मुसलमान में क्या मामला है, बच्चा अच्छा पढ़ना, इतना छोटा बच्चा है, अच्छा पढ़ना स्कूल में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना, उन्हें आगे चल के डॉक्टर बनना, उन्हें आगे चल के पायलट बनना, उन्हें आगे चल के इंजीनियर बनना, उन्हें आगे चल के साइंटिस्ट बनना, और क्या क्या बनना भला बदतर जो भी है बनना है बनना है, अगर अल्लाह ज़र्रा इसको रिड्यूस कर दिया तो कुछ भी नहीं बनना है या नहीं, बनना है बनाना है। अब वो बच्चा स्कूल जाके आया, वो स्कूल की तालीम के असर जब हुआ उसके अंदर, वो बच्चा है कि जब पेशाब करा माँ बाप की उधर ही रहती, बोलते मेरा भाई मेरे भाई का इशाद उस दिन माँ बाप की ही रहे देखे क्या मेरा बच्चा वो कई कौन से वो फिल्म एक्टर की तरह ठहर के मुद्रा देखे मेरा बच्चा वो एक्टर की तरह ठहर के मुद्रा मेरा बच्चा ठहर के मुद्रा है मेरा बच्चा वो एक्टर के नक्शे कदम में चल रहा है या नहीं है। अपना अपना एक एक आइडियल है, अपना अपना एक एक हीरो है लोगों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हीरो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे हीरो कौन है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला, हमारे हीरो कौन उमर फारूक, हमारे हीरो कौन अली उस्मान गनी, हमारे हीरो अली मुर्तज़ा, हमारे हीरो हसनैन करीम हैं, हमारे हीरो 1 लाख सहाबा से ज्यादा, हमारे हीरो गरीब गौसुल आज़म, हमारे हीरो गरीब नवाज, हमारे हीरो हमारे सीओ है या नहीं है। उनके नक्शे कदम पे चलो इंशाअल्लाह हमको नहीं देखेगा अल्लाह, ये चल रहा इसके वैसा लिहाजा इसको भी अपना करीब करो, इसको भी क्या करो अपना करीब करो। मूसा अलैहि सलाम उल्लाह पैगंबर है या नहीं, उन्होंने भी है या नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह है, इतने जलाली पैगंबर अल्लाह के अल्लाह ने फरमाए दरबार आपके खिलाफ कुछ होता तो बदला दे के पूरों को भेज में लगा देते अल्लाह से। एक आपकी कश्ती में एक शख्स था दिल तो आपकी बाकी करता था, मैं हजरत मूसा अलैहि सलाम थोड़ा बात में रुकू थी बात करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम था, उन्हें भी कोई स्टाइल मारता, हजरत मूसा अलैहि सलाम लकड़ी पटक पटक के जमीन पर चलते, उन्हें भी बगैर लकड़ी के भी चलने आ सकता उसे, लेकिन स्टाइल मारता हजरत मूसा अलैहि सलाम कौने की लकड़ी जमीन पर पटक पटक के चलता, जैसा मूसा अलैहि सलाम करता वैसा ही नहीं करता। देखे 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 गुस्सा आता है हर इंसान को, आता नहीं आता सबको आता, मूसा अलैहि सलाम को भी आ गया, आके बोले अल्लाह भाई अल्लाह ये पूरी बस्ती को उड़ा दे, ये पूरी बस्ती को क्या कर अजाब दे दे, वो एक है सबको अजाब दो कर रहे हैं तो मूसा अलैहि सलाम कितने जलाली पैगंबर है अल्लाह रहम करे है या नहीं है। ये मस्जिद में एक बदमाश है, मैं क्या बोलूंगा, ये बदमाश को बाहर फेंको बोलूंगा या पूरे पूरों को बाहर निकालो बोलूंगा, बोलिए अकलमंद हूँ मैं तो क्या बोलूँगा, सबको कहो क्यों तकलीफ क्यों, एक को ले जाओ बाहर फेंको किस्सा खत्म। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह है, उनकी जबान से अल्लाह बोलता है,
देखो अल्लाह उसे कलाम करता है, वो लाजम पैगंबर है। क्या एक ही वजह से सब कुछ सदा हो रही है? ऐ अल्लाह ये जमीन को पलट दे, अजाब दे, अजाब आया पूरे मर गए। तो मूसा अलैहि सलाम कुछ जब फिर उठ के लेके फिर उन्हें लेके क्या लेके आया उधर से। तो मूसा अलैहि सलाम अल्लाह को कहे मारिए नाला, ये क्या है? मैं इसके भैया बदमाश के खातिर तेरे को तेरे से दुआ मांगा था ये लोग बर्बाद कर दे, पूरे को मौत दे दे, सबको बुला लिया, इसको तो रखा क्या मैंने मौला। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, मूसा तो उसको देख रहे हैं, हम उसमें तुम्हारे को देख रहे हैं। तुम सिर्फ उसको देख रहे हैं और हम जो देख रहे हैं उसमें तुम्हारे को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मेरे मूसा की तरह वो चल रहा है, मेरे मूसा की तरह वो नजर मार रहा है। जो मूसा का नजर मारने वाला होगा उसको अल्लाह माफ करेगा या उसको अल्लाह अजाब देगा? बोलिए करेगा नहीं करेगा? हम भी अपनों का यहूदी और नसरानियों का अगर स्टाइल मारेंगे, ठहर के पेशाब करेंगे, अल्लाह माफ करेगा या अल्लाह हमारे ऊपर भी अजाब नाजिल करेगा? ये शैतान का प्लान है, ठहर के मुंह तो अल्लाह अजाब में फरिश्तों को नाजिल नहीं करता, लेकिन वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। आम लोग है तो अल्लाह फरिश्तों को नाजिल नहीं करता, ये खास अखसुल खास है, ये अखसुल खास है, अल्लाह के हबीब है। अल्लाह ताला इनके खातिर अपनी सुन्नत को भी खत्म कर रहा है, अपनी सुन्नत को भी हटा रहा है। अल्लाह क्या इरशाद, अल्लाह ताला तुम इनको कोपी में बिठा दिया गया। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम आए, आके अर्ज कर रहे हैं इब्राहिम, ऐ इब्राहिम मेरे दोस्त क्या हाजत है, बोलो मैं तुम्हारी हाजत को पूरा करूंगा। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जिब्रील अलैहि सलाम है या नहीं है? कैसे फरिश्ते? इमामुल मलाइका है, पूरे फरिश्तों के इमाम है हजरत जिब्रील अलैहि सलाम। वो जिब्रील अलैहि सलाम से अगर कोई कुछ मांगे तो क्या वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं करते? करते या नहीं करते? करते, करते या नहीं? जरूर करते। लेकिन अल्लाह के नबी क्या पैगाम दे रहे हैं उम्मत को? अल्लाह के नबी अल्लाह क्यों मबूस किया और क्या पैगाम दे रहे हैं? जिब्राइल पूछ रहे हैं खलील है दोस्त क्या हालत है, मांगो मैं तुम्हारी हालत को पूरा करूंगा। आप क्या इरशाद फरमाते हैं? खुदा की कसम तेरे से कोई हालत नहीं, अल्लाह वल्लाह खुदा की कसम तेरे से कोई हालत नहीं है उसको। अल्लाह की बारगाह में हाजिर जिब्राइल अलैहि सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तेरा खलील शोबिंग पे बैठा हुआ है, कुछ लम्हात बाकी है आग में गिरने के लिए, है अल्लाह तू रहम फरमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्राइल जाओ पूछो खलील को, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या हालत है, बोलो मैं उसकी हालत पूरा करूंगा। अब कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं हालत है या नहीं है? अल्लाह पूछ रहा है किसके जरिए? जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए। फिर आते हैं पूछते हैं इब्राहिम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अल्लाह पूछ रहा है क्या हालत है बोलो। आप क्या इशारा फरमाते हैं? ला वल्ला जी खुदा के हजम तेरे से कोई हालत नहीं, वो आलम हमारी, वो मेरे हाथ से बात होगा, मेरे को क्या होना, कब होना, क्या होना, क्या सूरत में होना, कौन सी सूरत में नहीं होना, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, मेरे लिए क्या खैर है क्या शर है, वो मुझसे ज्यादा जानने वाला मेरा परवरदिगार, उसको ही मान लाया, उसको क्या बोलूं मैं, उसको क्या बोलूं, वो आलम हाली वो मेरे हाथ से बाखबर है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो मेरे हाथ से बाखबर है, उसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा मेरे लिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। उसका ईमान हमारे अंदर नहीं आ सकता, उनकी जूतियों के दर्द के बराबर तो ईमान आ गया तो हमारे लिए कामयाबी, उनके जूतियों के गलत के बराबर भी हमारा ईमान हो गया तो हमारे लिए कामयाबी। वो इब्राहिम अलैहि सलाम अब खलील बोल दिए, जिब्राइल चले गए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, उतनी देर में कोपनी से डाल दिए, उतनी उतनी देर में क्या कर रहे लोग कुफार कोपनी से डाल दिए आग में। अब ये हम कौन से आलम में रह रहे हैं, कौन से आलम में हम हैं? आलम शहादा है या नहीं है?
आलम शहादत है या नहीं, आलम असबाब है या नहीं है, यहाँ पर जो भी हालत होती है किससे होती, असबाब से होती है नहीं होती। खाना का भूख लग रही है तो किसके जरिए हमारी भूख मिट रही है, खाने से मिट रही है नहीं मिट रही। प्यास लग रही है तो किसके जरिए प्यास मिट रही है, पानी से मिट रही है नहीं मिट रही है। आपको अपना जिस्म छुपाना है तो किसके जरिए छुपा रहे हैं, कपड़े के जरिए छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ये कपड़ा छुपा रहा, ये प्यास पानी बुझाई या ये भूख खाना मिटाई, कौन मिटा रहा, अल्लाह मिटा रहा या नहीं मिटा रहा। आलम असबाब में रखा या नहीं रखा प्रॉपर्टी का, आलम शहादा में रखा या नहीं रखा, या आलम शहादा में आलम असबाब में अल्लाह की सुन्नत है जो भी हालत हुई हो आप आपकी असबाब के जरिए हुई। असबाब के जरिए जो इतना ईमान रखता है अल्लाह पे, जो इतना ईमान रखता है अल्लाह पे कोई बंदा, उसके लिए अल्लाह अपनी सुन्नत कोई बदल देता है, उसके लिए अल्लाह अपनी सुन्नत कोई बदल देता है। आग में डाले इधर अल्लाह जिब्राइल को हटा दिया, डायरेक्ट आग से मुखातिब अल्लाह, और क्या इशारा फरमाया, कुल नाम या नार कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम। हमने आग से कहा है आग तू ठंडी हो जा इब्राहिम के लिए, इतनी भी ठंडी मत हो जिससे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचे, इतनी भी गर्म मत हो जिससे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचे, बल्कि इब्राहिम जितना सह सकता है उसको उसके लिए वैसी हो जा सलामती वाली बन जा। तारीख के लिखने वाले लिखते हैं 40 दिन वही आग में रहे हो इब्राहिम अलैहि सलाम, 40 दिन या कई महीने वही आग में रहे, लोग समझे वो खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह उधर भी उन्हें बचाया, बचाया नहीं बचाया, किस बिना पे बचाया, अल्लाह पे यकीन रखने की बिना, अल्लाह पर यकीन रखे। इसीलिए मेरे दादा इरशाद फरमाते हैं, अरे वो ईमान रखो जो इब्राहिम ने ईमान रखा है, वो ईमान तुम्हारे अंदर पैदा करो, अगर तुम्हारे अंदर वो ईमान पैदा होगा तो आज भी वो आग निगाह कर रही है कोई इब्राहिम का ईमान रखने वाला, उसके लिए मैं भी ठंडी होने के लिए तैयार, उसके लिए मैं भी ठंडी होने के लिए तैयार। आज भी वो समंदर वो दरिया आवाज दे रहा है जिस पर मूसा अलैहि सलाम लकड़ी मार कर निकल गए थे, वो समंदर आवाज दे रहा है, वो दरिया आवाज दे रहा है कोई मूसा का ईमान रखने वाला, उसके लिए भाई भी अपने रास्ते को खोल के देने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन होना क्या हमारे उनका ईमान, उनका क्या होना, ईमान होना या नहीं होना। अल्लाह रब ने अल्लाह ताला वो ईमान के रखने वाले अल्लाह के महबूब बंदों से अल्लाह ने निस्बत दिया, जो लोग ईमान का दर्स हासिल करो, सोहबत अख्तियार करो, जरूर ब जरूर अल्लाह कुछ नहीं जो नहीं अल्लाह ताला इनके साथ हमको कर देगा, इनके साथ अल्लाह हमको कर देगा, और अल्लाह इनके मोहब्बत में हमको इस दुनिया से बुलाएगा। जब हम इनकी मोहब्बत में इस दुनिया से जाएंगे तो याद रखना हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी कब्र भी कामयाब, अल्लाह हमारी हशर को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में कामयाब कर देगा। मेरे साथियों से मेरे आप लोगों से अदब की गुजारिश है, उलमा रब्बानी मशायखी ने इज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान है, जाओ वो कलिमा तैयबा का हकीकी इल्म हासिल करो जो इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, जो इल्म सहाबा ने दिया है, जो इल्म गौसुल आज़म ने दिया है, जो इल्म गरीब नवाज ने दिया है, जो इल्म पीर रूहियों के आरिफ ने हमें दिया है, वो इल्म हासिल करो, देखो कि उसके बाद अल्लाह आपको क्या नवाजेगा, कितना नवाजेगा, कैसा नवाजेगा, जमाना देखता रहेगा। अल्लाह हमको वो मकाम भी अता फरमाए, अल्लाह से दुआ है जो भी हम सुन रहे हैं अल्लाह से अमल किए हैं तो फिर अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे कुलूब में तेरी मोहब्बत के हदीब की मोहब्बत तेरे महबूबी की मोहब्बत अता फरमाए, ऐ अल्लाह हमारे कुलूब से दुनिया की मोहब्बत को हटा दे, तेरे दीन का ईमान हासिल करने का हमारा ज़ौक और शौक अता फरमाए, ऐ अल्लाह हमारी गफलतों को जिक्र में तब्दील फरमाए, हर वक्त तेरी याद में तेरी याद में तेरे जिक्र और शुक्र में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, हम गुनहगार है, बदकार है, सियाहकार है, हम जो कुछ भी है इसमें कोई शर्म नहीं है पाक परवरदिगार, लेकिन हम तेरे महबूबीन के चाहने वाले हैं, तेरे महबूबीन से नस्बत रखते हैं। ऐ अल्लाह तेरे हबीब के हम गुलाम।
तकलीफ क्या वो मंदी है ऐ अल्लाह हम को न देख हम इन नस्बतों से वाबस्ता है उन नस्बतों के खातिर ऐ अल्लाह तो हम पर रहम फरमा करम फरमा ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों से राजी हो जा ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों से राजी हो जा ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों से राजी हो जा ऐ अल्लाह हमको अभी के दिन ने पसंद किया है ऐ अल्लाह उस पसंद को अपनी पसंद की बनाने के लिए तौफीक अता फरमा जो चीजों को तूने नापसंद किया है ऐ अल्लाह हमारे को भी नापसंद करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह का काम करने के लिए तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह हम तुझसे भी मांगते हैं इस नफरी के जो बीमार है सबों को शिफा अता फरमा ऐ अल्लाह इनके मुतवस्सिलीन जो बीमार है सबों को शिफा अता फरमा ऐ अल्लाह जो है सिलसिला जो बीमार की जजाम फरमा ऐ अल्लाह हम सबों को इस सेवा का आम अता फरमा ऐ अल्लाह दीन और दुनिया में हमको हैदराबाद के मरकजी खानखा में सबके लिए रखा गया है उस नाम शरीक होने की कोशिश कर साथ ही साथ मार्च की एक दो तीन तारीख को हमारे हजरत का कुतुबुल मशायख सैयद मोहम्मद आरिफुद्दीन जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका पहला खुलूस शरीफ है उस नाम शरीक होने की कोशिश करें उसी उनवान से दस दिन का तालीम का जिला रखा गया है तालीमान रखी गई है साथ ही साथ माह रमज़ान में पूरा माह रमज़ान पहले रमज़ान से लेकर यहाँ पर रायचूर में हर हफ्ते जो है जुमेरात को तालीमात होती है हल्का होता है खालिद भाई यहाँ पर जिम्मेदार है हम उस हल्के में शरीक होने की कोशिश करें हर महीने हजरत जीबा के खाते दिन यहाँ पर आते हैं दो दिन की तालीमात का दस जो सिलसिला रहता है हम उसमें भी जुटने की कोशिश करें हजरत जीबा हैदराबाद से आए हुए हैं तो आपको वापस जाना है अल्लाह से दुआ फसलें बहार आ गई ऐ बहारों जान सलाम मरे किया गया है और पौधे बाहर की तरफ उनके लिए अलग अलग पैकेट के जो
खूबसूरत रखा गया है ताकि कुर्सियों पे जो पीछे बैठे वहां तक खाना नहीं पहुंचा है, वॉलंटियर है वहां तक खाना पहुंचा है, बाहर भी जो बैठे हैं उन तक भी खाना पहुंचाइए। تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي